अस्सलाम वालेकुम टू मी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी है हर किसी की फेवरेट स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे तमाम ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि आपकी पूरी क्रिस्पी और परफेक्ट बने। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप फाइन सूजी और 1/3 कप ऑफ व्हीट फ्लोर। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब इसे गर्म पानी से अच्छे से गूंद लूंगी। इस आटे को 1 आवर के लिए कवर करके रख दूंगी। अब इसका खट्टा पानी रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मिंट लीव्स, 1/2 कप कोरिएंडर लीव्स, 3 ग्रीन चिलीज और 1 जिंजर और इसके अलावा 4 टेबलस्पून टैमरिंड पल्प। अब इन तमाम चीज़ों के साथ थोड़ा सा वाटर शामिल करके मैं इसका थिक पेस्ट बना लूँगी और इसे एक छन्नी की मदद से मैं इसे छान लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप्स ऑफ वाटर और फिर इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर ½ टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर इसका खट्टा पानी रेडी हो चुका है। चलिए अब इसकी खट्टी मीठी चटनी रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप टैमरिन, 1 कप सीडलेस डेट्स और 1 कप चैकरी। अब इसे मैं अच्छे से पका लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा वाटर शामिल करूँगी और इसे अच्छे से पका लूँगी तब तक के जो डेट्स है और जो इमली है वो अच्छे से गल ना जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कम्प्लीटली कुक हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून फेनल सीड्स, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और इसके अलावा 1 टीस्पून सॉल्ट। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लूँगी। फिर इसे कम्प्लीटली ठंडा करके इसका मैं एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। किसी छन्नी की मदद से इसे अच्छे से छान लूँगी। यहाँ पर इस चटनी को आप 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल और 1 बॉइल्ड पोटैटो। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप वाइट कुक पीस, 1 चॉप टोमेटो। इसमें थोड़ा सा वाटर शामिल करूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। और अब इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसके अलावा 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके अलावा 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 4 टेबलस्पून बीटन कर्ड भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चॉप्ड ऑनियन, इसके अलावा सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक। और अब इसे अच्छे से कवर करके 5 मिनट के लिए पका लीजिए। इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। चलिए हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो चुकी है।
ये तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसकी पूरी रेडी करते हैं। और अब इस आटे के 2 से 3 पोर्शंस बना लीजिए। ये अब इसे अच्छे से बहुत ही पतला बेल लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप इसे बहुत ही पतला बेलें। और अब इसे कुकी कटर से या फिर किसी राउंड शेप ढक्कन से आप इसे कट कर सकते हैं। और अब इन तमाम पूरीज को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ देंगे। जो मैं छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑयल जो है इसे मीडियम फ्लेम पर हीट कीजिए। चलिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें पूरी फ्राई करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इस पूरी को इस तरीके से टैप कीजिए ऊपर नीचे, इससे पूरी जो है वो बहुत अच्छे से फूल जाएगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि फ्लेम मीडियम हो। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो पूरी जो है वो फूल तो जाएगी लेकिन बाद में वो नरम हो जाएगी, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि फ्लेम मीडियम हो। जो मैं छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ इसे ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपके पूरी क्रिस्पी हो। यहाँ पर आप इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी कितनी क्रिस्पी और परफेक्ट बनी है। स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी का मज़ा आप घर पे एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।